उसके बाद इसके क्या क्या फायदे हैं। और असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑपरेटिव जितेंद्र सिंह सर, विनय गुप्ता जी, मशरूम, एज यू ऑल नो दैट यंग जनरेशन के लिए मशरूम की कल्टीवेशन बहुत ही आसान और अपनी नेक्स्ट फ्यूचर के लिए आप सोच रहे हो कि मैंने कोई बिजनेस करना है तो मशरूम कल्टीवेशन सबसे अच्छी मानी गई है। मशरूम कल्टीवेशन आज से 2-3 साल पहले बहुत ही मुश्किल एक लगता था कि कैसे करेंगे, कंपोस्ट कैसे बनाएंगे, फिर मशरूम कहाँ बेचेंगे। तो मशरूम की खेती आज के टाइम में 2-3 साल से बनी बनाई कंपोस्ट हमें मिल रही है। आपने सिर्फ उसको घर पर रखना है और उसकी खेती तैयार करनी है और बाद में मशरूम आपको मार्केट अवेलेबल मिल जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा मशरूम, तो मशरूम का बैग हमने सामने रखा हुआ है, आपने सबने मशरूम देखी है, सबने खाई भी होगी, मुझे लग रहा है सबने खाई होगी मशरूम, जो टेस्टी भी काफी होती है। तो मशरूम एक फंगस है। मशरूम क्या है? एक फंगस है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में 3 तरह की हम पूरे साल मशरूम उगाते हैं, 3 तरह की फंगस अपने मशरूम उगाते हैं हम। अक्टूबर से लेके फरवरी तक आपकी चलती है। ये जो मशरूम का बैग मैंने रखा हुआ है इसको बोलेंगे व्हाइट बटर मशरूम। ये अक्टूबर से लेके टिल फरवरी मार्च तक आपकी चलती है। क्यों उस टाइम पे इसका एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। इसको कन्वर्ट किया इनटू माई मशरूम माई फ्रेंड। सबसे पहले मशरूम फंगस, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा लेक्चर हम नहीं देंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, सभी समझते हैं मशरूम फंगस क्लोरोफिल नहीं होती है, सेप्रोफाइट है, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर उसकी ग्रोथ के लिए। और ये कुछ फंगस होते हैं एडिबल और कुछ फंगस नॉन इनएडिबल, एडिबल खाने लायक, इनएडिबल जो कुछ पॉइजनस भी होते हैं उनको हम टोडस्टूल्स बोलते हैं। हम आज यहां पे हैं व्हाइट बटन मशरूम कल्टीवेशन की टेक्निकल गाइडेंस, इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो कल्टीवेशन है, इसको कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। मैं बड़ी जरूरी चीज बोलूंगा, ये पक्की बात है, बड़ी जरूरी चीज बोलूंगा। तो मशरूम का ऑब्वियसली ये ग्रोथ है, इसका जो कल्टीवेशन है उसके लिए हमें रेडीमेड मटेरियल हमें प्रोवाइड करवाना पड़ता है, वेल डिकम्पोज्ड मटेरियल, इसको बेस जो है वो उसको प्रोवाइड कराना पड़ता है। मैं जल्दी जल्दी टेक्निकल वर्ड सिखाऊंगा आपको, कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, मशरूम कल्टीवेशन आम नहीं होता।